हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ का बसेरा। और यहाँ मैं आपके लिए ले आऊँ एक नई डील। अगर आप जयपुर में हैं और आप ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई लोकेशन जहाँ आपको स्टे करना है, तो लोकेशन मैं एक लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप कपल हैं, अगर आपको स्टे करना है कुछ घंटों के लिए या फिर एक नाइट स्टे करना है, उसके लिए एक प्राइवेट लोकेशन ढूंढ रहे हैं जो कम प्राइस में हो और काफ़ी रिजनेबल हो, इंटीरियर काफ़ी अच्छा हो ज़्यादा रूम के अंदर, तो ऐसी मैं आपके लिए एक लोकेशन लेके आया हूँ। पीछे देख सकते हैं भगवती पैलेस, होटल भगवती पैलेस, जहाँ हम आज आपको दिखाएंगे पूरा इंडोर आउटडोर, इसके रूम्स, इसके प्राइजेज। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मिस मत कीजिए, आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। अगर जयपुर में कोई आपको दोस्त आने वाला हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलो होटल के अंदर चलते हैं पहले और वहाँ देखते हैं ये होटल कैसा है। और पहले सबसे पहले जाते हैं रिसेप्शन पे। जैसे कि मैंने बताया भगवती पैलेस की बाहर की लोकेशन, तो अभी है हम अंदर और अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ रिसेप्शन है, रिसेप्शन चलेंगे लास्ट के अंदर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है, कैसे हमें चेक इन करना है, चेकआउट करना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो रहेगी वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं रूम की तरफ। और रूम में चलने के लिए दो रास्ते आपके पास हैं, यहाँ से आप लिफ्ट में जा सकते हैं और लिफ्ट से ना तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो अपन चलते हैं लिफ्ट पे, तो एक बार लिफ्ट आ जाए। अच्छा, ये अंदर की तरफ सेकेंड फ्लोर, तो ये जो होटल है ये थर्ड फ्लोर तक है। सो यहाँ लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं। तो अभी मैंने सेकंड फ्लोर दबाया था, तो सेकंड फ्लोर पर अपन उतरते हैं और वहाँ देखते हैं रूम कैसे हैं। इसमें आपको प्रीमियम रूम, नॉर्मल रूम, डिलक्स और सेमी डिलक्स दोनों रूम बताऊंगा आपको मैं। सो जैसे ही आप लिफ्ट से आते हैं, तो आने के बाद ये गैलरी है, एक हॉल टाइप का है, दो रूम उस साइड मिलेंगे, एक रूम। तो सबसे पहले दिखाता हूँ नॉर्मल रूम से स्टार्ट करते हैं अपन। तो रूम के अंदर जैसे ही अगर आप आते हैं, सो ये है आपका नॉर्मल रूम। सो पहले प्राइस लास्ट में बताऊंगा, पहले आप देखिए पूरा रूम। तो एक बार ये यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ जाते ही आपको मिलेगा सोफ़ा। सोफ़ा काफ़ी अच्छा है, बैठेंगे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल सा है, बैठने में अलग ही आनंद आएगा। तो ठीक है, दो जने आराम से सफिशिएंट इस पर बैठ सकते हैं। एंड सामने अगर आप स्मोक करते हैं तो एस्ट्रे रखी गई है आपके लिए यहाँ पे। और सामने की तरफ एक छोटी विंडो है, तो ये यहाँ से देख लीजिए एक बार, यहाँ का दिखा दीजिए। तो पीछे की तरफ आपको ये वैशाली का जो है चित्रकूट स्टेडियम वो है, आप यहाँ जाके चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर स्टे करते हैं नाइट में, तो आप मॉर्निंग में जाके वहाँ चाय पी सकते हैं। जहाँ पे दो तीन चाय वाले, जैसे मुकेश चाय वाला है, एक दो और है यहाँ पे, देसी ठेका है, तो वो नियर बाई है यहाँ पे। एक आपको कवर्ड मिल जाएगा यहाँ से, जहाँ पे आपके कपड़े वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, ड्रोर मिल जाएगा जहाँ आप लॉक कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको मिलेगी। और एक मिलेगा आपको मिरर जो सामने की तरफ है इसी अलमारी के अंदर, ठीक है। तो मिरर सामने, स्मार्ट टीवी मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क वगैरह आपको इसी में है इंक्लूड, टाटा स्काई। और स्मार्ट टीवी है तो फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, एसी मिलेगा जिसे आप ऑन कर सकते हैं और ठंडा रूम को कर सकते हैं। लाइट है जो बहुत डिम है और बहुत अच्छी लाइट है, जिसमें आपको रूम का माहौल काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त रहेगा। और एक फ़ैन मिलता है, पिलो मिलते हैं और दो टॉवल दिए जाएंगे आपको यहाँ पे। तो जैसे ही आप आते हैं रूम के अंदर, एंटर होते हैं, और बात करूँ इसकी गद्दे की, तो काफ़ी मतलब मस्त है, ठीक है, और कंफर्टेबल है। पिलोज़ वगैरह दो पिलो एक्स्ट्रा है, अगर आपको एक्स्ट्रा पिलो चाहिए तो आप इनसे डिमांड कर सकते हैं यहाँ पे। सो बात करूँ, वाइट है तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है रूम का, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। आप होटल में जैसे ही चेक इन करते हैं तो आपको एक अच्छा एम्बियंस मिलता है, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है और आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ फील नहीं होती वहाँ पे। सो मैं इसको दिखाऊँ वॉशरूम, तो वॉशरूम के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो वॉशरूम आपको ऐसा मिलेगा जो काफ़ी ब्राइट है एंड सुकून वाला बोल सकता हूँ। यहाँ एक सामने तरफ एक गिलास है आपको टॉयलेट, ठीक है, इस साइड आप शावर वगैरह ले सकते हैं, जहाँ गीजर वगैरह आपको मिल जाता है इसके अंदर। और ये है नॉर्मल रूम, इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस आपकी पड़ेगी लगभग 1200 रुपये, या बात कर सकता हूँ 1000 रुपये, जहाँ अगर 1000 रुपये इसकी प्राइस, अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब मेरा कूपन अगर आप बताते हैं यहाँ आके, तो आपको 10% यहाँ ऑफ मिल जाएगा। सो इसको एक बार मैं कहता हूँ ऑफ, तो कूपन क्या बताएंगे आप? तो सबसे पहले बात तो ये है कि कूपन आप बताएंगे क्या, तो कूपन के अंदर ये है कि आप मेरे चैनल का नाम बताएंगे इनको, तो आपको 10% यहाँ ऑफ मिल जाएगा जो इस रूम की प्राइस होगी। तो ये जो रूम है ये आपको 1000 रुपये लगभग आपको ये रूम मिल जाएगा, ठीक है। इससे एक सस्ता रूम और है, वो लगभग छोटा छोटा है, वो थोड़े बुकिंग पे है, वो लगभग 800 का है, तो वो अगर लेते हैं तो लगभग 700 रुपये तक आपका वो रूम पड़ जाएगा। अब दिखाता हूँ प्रीमियम रूम, अगर आप इससे थोड़ा सा महंगा चाहते हैं थोड़ा सा वो रूम। देखने से पहले रूम के कुछ हाईलाइट्स आप देख लीजिए।
आप देखना चाहते हैं थोड़ा सा प्रीमियम रूम, जो वो रूम था उससे थोड़ा बेहतर रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, एक बार आप जैसे ही अंदर आते हैं आपको अच्छा सा एम्बियंस महसूस होता है इस रूम के अंदर, अच्छी सी स्मेल फ्रेगनेंस है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जब रूम आप कोई भी चेकआउट करते हैं उसके बाद इसको अच्छे से डीप क्लीन करते हैं और थोड़ा सा इसमें परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ताकि एक अच्छी स्मेल रहे, ताकि आप रूम में जैसे एंटर होंगे अच्छी फ्रेगनेंस रहे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको सफोकेशन महसूस नहीं होता, ठीक है, आपको अच्छा बेटर फील होता है। सो जैसे ही गद्दे पे आके बैठते हैं तो ये गद्दा उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और इसमें बैठने की कुछ अलग ही मजे, जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी इतना डीप है ये, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिजाइनेबल ये मोर बना रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए, हालांकि ये हो कोई टवाल टाइप के हैं उनको लगा के बस मोर बना दिए गए हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे। पिंक कलर का यहाँ बेड शीट और पिल्लो वगैरह मिलेंगे, उसमें वाइट था उसमें पिंक है, ठीक है, मुझे वाइट भी अच्छा लगा बट पिंक भी ठीक है, नया थोड़ा नया डिफरेंट है। एक यहाँ पेंटिंग मिल जाएगी दो चीज ताकि आपको अच्छा माहौल लगे। और सोफ़ा बात करूँ तो सोफ़ा वहीं है सेम कैटेगरी, टेबल थोड़ी अलग मिल जाएगी, एस्ट्रे पानी की बोतल रखी गई है, टिश्यू पेपर, दो कांच के गिलास, ठीक है, ड्रिंक वगैरह करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं बट आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। स्मार्ट टीवी जिसमें आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब आप चला सकते हैं, यहाँ से टाटा स्काई आपके लिए अवेलेबल है और एक एसी अवेलेबल है आपके लिए। रूम की लाइट इतनी अच्छी है कि आपको थोड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करता है रूम का। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये भी ज़्यादा प्राइस नहीं, 1500 प्राइस है बट यहाँ भी 10% डिस्काउंट अगर मिल जाएगा, अगर आप मेरे चैनल का नाम लेते हैं भैया के पास आके तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक छोटी सी बालकनी है, हालांकि आप उसमें बस जा सकते हैं और वैसे ओपनली नहीं है ज़्यादा बट यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं इस होटल का, जैसे कि ये सामने की तरफ 200 फीट है ये हाईवे, तो अगर हाईवे से आप आते हैं इधर की तरफ तो आपके ये बिल्कुल पास पड़ता है, ठीक है। इसका जो है एक बार यहाँ का दिखाता हूँ, तो ये जैसे ही आप आते हैं तो आपके 200 फीट के बगल में ये होटल है, ठीक है, भगवती पैलेस, तो यहाँ कंटिन्यू 2-3 होटल बने हुए हैं, तो ये वाला होटल आपको दिख जाएगा बाहर से, मैं आपको स्टार्टिंग में जैसे दिखाया था, तो वो लोकेशन आप देख के यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ आप आ सकते हैं और होटल बहुत ही प्रीमियम लाजवाब है, ठीक है, इस प्राइस लिस्ट के अंदर, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। कवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आपको जो बहुत अच्छा है, स्मॉल सा है, क्यूट सा है, बंद कर देता हूँ। वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम इसका बहुत बड़ा मिलेगा, उससे वाला उस जो वॉशरूम था उससे थोड़ा बड़ा है, सामने तरफ मिरर है, आपको शावर मिल जाएगा और लाइटिंग इसकी भी अच्छी है, तो ये चीज़ है। बाकी मैं बात करूँ बेड की तो बेड काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड अच्छा है। सो ये वाला जो होटल है ये चित्रकूट के पास है और वैशाली 200 फीट की बिल्कुल नियर बाई है होटल, आप आके यहाँ विजिट कर सकते हैं भगवती पैलेस में। और अभी साथ में चलेंगे भैया से बात करने, ये जो मैं अभी हूँ ये है फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब फ्लोर, तीन फ्लोर बने हुए हैं, तीनों फ्लोर में सेम रूम है। इस कैटेगरी में तो सब महंगे रूम है, उस कैटेगरी में थोड़े सस्ते रूम, उससे सस्ता रूम भी है वो लगभग 800 रुपये का है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो आपको होटल में सर्विस रूम में आपको फ़ोन करना है, सर्विस के अंदर ऑर्डर करके आपको मंगा लेना है कि क्या चीज़ आपको ऑर्डर करनी है, ये मंगवा के दे देंगे आपको। और होटल का मतलब आप, मेरे को इसका जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा लगा, बाहर के बजाय मुझे आउटडोर के बजाय इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर आप कोई नियर बाई और होटल ढूंढ रहे हैं उस एरिया का तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस एरिया के लिए, उस एरिया में आपके लिए बेहतर होटल ढूंढ के बताऊंगा। अगर आप जयपुर विजिट कर रहे हैं तो ये होटल आपके लिए बेस्ट है, अगर अजमेर की तरफ से आ रहे हैं तो ये होटल बेस्ट है, आपको 200 फीट में मिल जाएगा। जयपुर से जा रहे हैं अगर नाइट में रुकने का है तो ये होटल बेस्ट है, कपल हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं अच्छी लोकेशन प्राइवेट तो ये लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि बाहर की तरफ हाईवे तो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा बिजी एरिया नहीं है, आपको इजीली बस वगैरह, टेम्पो वगैरह इजीली मिल जाएंगे, कैब वगैरह, यहाँ से आप लोकेशन से मतलब ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी पूरी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और अगर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टा पे भी मेरा एक पेज है, वही घुमक्कड़ बसेरे के नाम से। और अभी चलते हैं हम भैया से बात कर देंगे, भैया बता देंगे क्या क्या रहता है कि जब आप चेक इन करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे और क्या नहीं। बुलाते हैं हम रिसेप्शन पे और इनसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूछते हैं क्या क्या है। तो भैया एक बार बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट कोई काल आता है विजिट करता है और ऑनलाइन बुकिंग करता है, ऑफलाइन, तो दोनों में क्या बेहतर रहेगा, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्राइस को अच्छा लगे ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन भी बुक सकते हैं या डायरेक्टली आके भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वैलिड नहीं होता, जिसमें भी आधार कार्ड वो एड्रेस आता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आएगी वो वाला वैलिड होता है, एड्रेस मेन होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है सारी
डॉक्यूमेंट्स। और ये वैसे होटल पड़ता कहाँ पे, किसके नियर बाय? चित्रकूट में पड़ेगा, शेल्बी हॉस्पिटल के पास में। हाँ, ओके। और ये चेकआउट और चेक इन टाइम क्या रहता है आपका? चेक इन टाइम अपना 12 बजे रहेगा, चेकआउट टाइम अर्ली मॉर्निंग 11 बजे रहता है। इसमें फ्लेक्सिबल हो जाता है एज पर अवेलेबिलिटी आपको पास, जैसे भी रूम अगर अवेलेबल है तो वो बंदा अगर कोई जल्दी आता है 10 बजे 10:30 के आसपास, हाँ वो गेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मैनेज कर सकते हैं उसको। ओके, अगर किसी को थोड़ा लेट जाना हो, जैसे आपको 11 AM चेकआउट टाइम है, किसी को थोड़ा लेट जाना, तो उस कंडीशन पे क्या रहेगा? उसको कोई इशू नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। अगर बुकिंग्स रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम रहता है, वो मेन टाइम पे ही करना पड़ेगा। अगर बुकिंग नहीं होंगे तो आप हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं 1-2 घंटे का तो। ओके, अगर कोई मेरी तरफ मतलब मेरी रेफरेंस अगर आपकी तरफ से आएगा तो 10% डिस्काउंट रहेगा हमारा, जो भी प्राइस रहेगा उसमें। ऑनलाइन बताएंगे ऑफलाइन बताएंगे उस हिसाब से 10% आपका नाम लेते ही। चलो, थैंक यू सो मच भैया, फिर मिलते हैं और आपके पास आएंगे तो बिल्कुल 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 ठीक है। थैंक यू सो मच भैया।